मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड की मीडिया को कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चिंता उत्तराखंड के मीडिया को है, जो पिछले 5 दिनों से इस बात के अंदेशे में है कि फलाने डाकू यहाँ पहुंच चुके हैं, सावधान, और हमें सावधान कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, चलिए कौशिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। गोदियाल भाई, जिसको दो चीज कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दल अलग काम करता है, चुनाव का काम निर्वाचन आयोग करता है, उसमें सरकारें नहीं करती। 2014 में देश के अंदर इनकी सरकार थी, अगर सरकारें ही सारा काम करती तो फिर ये सरकार में रहते, हमें कैसे आने देते। 2017 में इनकी सरकार थी, अगर सरकारी काम करती तो फिर 17 में हम कहां से सत्ता में नहीं करते ना, ये गलत काम हम नहीं करते हैं, कहां से आती। ये सही है कि आज कांग्रेस पार्टी की ये समस्या है। अभी 10-10 तारीख जैसे आती, देखिए चुनाव होने वाले दिन तक इन्होंने ढोल बजाए, इन्होंने मिठाई बांटी, कार्यालय में सजावट की, 2 दिन बीते इन्होंने मतपत्रों पर, 2 दिन बीते सेनाओं के वोट पर, 2 दिन बीते पुलिस की वोट पर, अब 10 तारीख आते आते ईवीएम पर आने वाले हैं। 10 तारीख रुके रही आप, ये तैयारी में है, इसलिए माहौल बना रहे हैं ईवीएम का, कुख्यात, अलग अलग उपाधि, अलग अलग बात, ये सारी चीजें आप थोड़ा ही कह रहे हैं। इस देश में 2014 के बाद जितने चुनाव हुए, जो चुनाव ये जीते वो बढ़िया, जो चुनाव नहीं जीते वो ईवीएम ने हराए हैं। इसलिए देश के लोकतंत्र पर विश्वास होना चाहिए। निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, राजनीतिक दल चुनाव नहीं कराता। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, आप निर्वाचन आयोग में शिकायत आपने की है, अच्छी बात है, नहीं की तो उसको करिए, उसमें कोई त्रुटि होगी उनको ठीक करना चाहिए। इसमें हम भी कहते हैं अगर कोई कोई दिक्कत है उसको ठीक होना चाहिए, लेकिन ये बहाना केवल होना कि चुनाव हारने का कारण ईवीएम है, ये उचित नहीं है। ईवीएम के लिए उचित नहीं है। पहली बात, ईवीएम पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ईवीएम पे किसने बात की? 10 तारीख को करेंगे ना। मैं बता रहा हूँ, 10 तारीख की बात अभी से मत करिए आप। हम बात ये कर रहे हैं कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके वोट पोस्टल बैलेट की लिस्ट में कैसे आए, और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार थोड़ा ही करेगी, ये उसका समर्थन हम आपको नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं। हाँ तो आप, हम जब चुनाव आयोग से कोई प्रश्न कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है कि कांग्रेस वाले प्रश्न कर रहे हैं। अरे भाई कोई गलत बात है तो कांग्रेस वाले प्रश्न चुनाव आयोग से करेंगे, उसमें आपकी क्या दिक्कत है। और जहां तक आप बहाने की बात कर रहे हैं, बहाने तो आपकी पार्टी के दर्जनों उम्मीदवारों ने खुद अध्यक्ष जी आप पर लगा रखे हैं, आपके लिए कह रखा है, आपके लिए कह रखा है कि चुनाव हराने में विजित है। देखिए मैं तो आपका सुचिंतक हूँ, आपके मुख्यमंत्री के नाते यहाँ से चुनाव लड़े, मीडिया के लोग ये कहते थे, देख लीजिए भाई आपके लोग, देखिए आप मुझे कहने दीजिए, आपकी बात सुन पाएंगे ना, मेरी बात सुन पाएंगे। देखिए बहाने आपके लोग कर रहे हैं कि भाई दर्जनों लोगों ने आपके स्वयं आपके ऊपर ये अभियोग लगा दिया कि आप पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हराने में लगे थे, और मैंने आपका बचाव किया। मीडिया के लोग जब मेरे पास आए, मयंक जी कई बार मेरे पास आए और एक भाई और थे मेरे पास आए, मेरे पास जब आए तो मैंने आप इनका बचाव किया। मैंने कहा पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा करता है क्या कि चुनाव हराएगा अपने कैंडिडेट को? अभी आप, लेकिन ये उनके चुनाव हारने के बहाने हैं कि वो आपको आपको बहाना बना रहे हैं कि नहीं नहीं कौशिक जी ने चुनाव हरा दिया, तो बहाने आपके यहाँ चल रहे हैं। हमने तो एक सीधी प्रक्रिया में जहां पर चुनाव आयोग के पास एक शिकायत जानी चाहिए इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वो शिकायत आप की। मुझे बता दीजिए ईवीएम ठीक है नहीं है, उसमें आप मुझे बता दिए ईवीएम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, ईवीएम में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप 10 तारीख को ईवीएम तो नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अगर ये 10 तारीख को ईवीएम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मैं मानता हूँ आप 10 तारीख को ईवीएम मत बोले। मेरी बात सुनिए, हम नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आप? अब आप बताइए, आप अभी की बात करिए, आप बताइए ईवीएम के बाहर रोज आना, कल आपने देखा होगा एक दर्जन कार्यकर्ता है, आप क्या देख रहे हैं? ईवीएम देख रहे हैं। आप अगर न्यायप्रिय आदमी हैं, माननीय कौशिक जी, अगर आप न्यायप्रिय आदमी हैं तो आपको गणेश गोदियाल के उस खत पर अपना भी खत लिखना चाहिए चुनाव आयोग को कि जो लोग रिटायर हो गए हैं, आयोग तो काम करता है, जो लोग रिटायर हो गए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को एक खत लिखना चाहिए आपको भी कि जो लोग सेवा से रिटायर हो गए हैं, जो लोग चुनाव के दौरान Yeah.
अरे भैया आपके महेंद्र भट्ट ने स्टेटमेंट दिया है। मेरा सवाल गणेश गुदियाल जी से है, इनके महेंद्र भट्ट जी ने आज तो खबरों में छपा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। इसका मतलब क्या होता है? कुख्यात नहीं तो क्या है? ये बदमाश नहीं तो क्या है? ये ठग नहीं है तो क्या है? ये चोर नहीं है तो क्या है? ये डकैत नहीं है तो क्या है? ये लोकतांत्रिक डकैत है। कांग्रेस के लोग ऐसे लोकतांत्रिक डकैतों को उत्तराखंड में स्थान नहीं मिलना चाहिए। में संपर्क में होना चलता रहता है। बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस के हमारे संपर्क में, कांग्रेस के कहते हैं हमारे संपर्क में। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार बोलिए ना आप, वहाँ से मत चलता रहता है। यहाँ आके बोलिए, हम भी सुन रहे थे उनको, हम आवाज नहीं की, आप इधर आके बोलिए। देखिए गणेश भाई की, गणेश भाई की चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। गणेश भाई की आपके ऊपर 10 लोगों ने आरोप लगाए उसकी चिंता करिए। गणेश भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गणेश भाई आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। गणेश भाई की